नमस्कार, मैं सुमन शर्मा, प्रवक्ता कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग एंड ड्रेसमेकिंग, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बीकानेर। फ्रेंड्स, आज हम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट ड्राफ्टिंग एंड गारमेंट कंस्ट्रक्शन, जिसका सब्जेक्ट कोड है CD125 के यूनिट नंबर 8 स्लीव्स पर बात करेंगे। फ्रेंड्स, स्लीव जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि गारमेंट का एक पार्ट होती है, वो अहम हिस्सा होती है और गारमेंट के अंदर जुड़ता है, जो कि शोल्डर से स्टार्ट होती है। लेकिन हम ये बात करेंगे स्लीव्स बेसिकली, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि तीन तरह की होती है, लेकिन अलग अलग तरह की स्लीव्स। जैसे स्लीव्स तीन तरह की मैंने बताई, कौन कौन सी? सैटिन स्लीव्स, रेग्लोन स्लीव्स एंड किमोनो स्लीव्स। अब उनमें डिफरेंस बात करेंगे कि सैटिन स्लीव्स और रेग्लोन स्लीव्स में डिफरेंस क्या होता है। सैटिन स्लीव्स कैटेगरीज की बात करें तो ये सैटिन स्लीव्स कैटेगरी में आती है ये, और रेग्लोन स्लीव्स रेग्लोन स्लीव्स की कैटेगरी में आती है। आर्म होल की बात, आर्म होल सैटिन स्लीव में आर्म होल कटता है तभी जुड़ती है स्लीव्स, और रेग्लोन स्लीव के अंदर आर्म होल नहीं कटता, डायरेक्ट नेक से स्टार्ट होती है, पार्ट ऑफ ए गार्मेंट। सैटिन स्लीव गार्मेंट का एक पार्ट होता है जो कि शोल्डर से स्टार्ट होकर के स्टिचिंग और ऑल राउंड द शोल्डर आर्म साइड पे चलती है, और रेग्लोन स्लीव्स नेक से स्टार्ट होती है और अंडर आर्म तक चलती है। कौन सी स्लीव्स कहाँ पहनी जाती है? सैटिन स्लीव्स ज्यादातर कैजुअल एंड फॉर्मल वेयर में पहनी जाती है, जबकि रेग्लोन स्लीव स्पोर्ट्स वेयर एंड विंटर वेयर में ज्यादा यूज की जाती है। फिगर की बात करें तो ये किसी भी फिगर के लिए हम यूज कर लेते हैं, बट जिनके नैरो शोल्डर्स हैं उसके लिए हम रेग्लोन स्लीव को यूज करते हैं, ताकि हमारा, और एक और बात कि जैसे बच्चे बढ़ते हैं बहुत जल्दी तो उनके कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं, ऐसे में यदि हम रेग्लोन स्लीव का यूज करेंगे तो उनके एकदम से छोटे होने, स्लीव के छोटे होने का पता नहीं चलेगा कि गारमेंट छोटा हो गया है, तो ये स्लीव्स बहुत अच्छी रहती हैं। स्लीव लेंथ, सैटिन स्लीव को किसी भी लेंथ में बनाया जा सकता है, जैसे शॉर्ट स्लीव्स भी हैं, मीडियम लेंथ स्लीव्स भी हैं, बेल स्लीव्स हैं, है ना, फुल लेंथ स्लीव, लॉन्ग स्लीव्स हैं, उसमें बनाई थी कि तीनों लेंथ में बनाया जा सकता है, क्वार्टर स्लीव भी, फुल लेंथ भी बनाई जा सकती है, जबकि रेग्लोन स्लीव हैं फुल में ही और शॉर्ट में दो में ही बनती है। सेम लेंथ, सीम लेंथ है कि इसमें शोल्डर से स्टार्ट होती है और पूरा आर्म होल कवर करते हुए आती है, और जबकि रेग्लोन के अंदर सीम लेंथ नेक से स्टार्ट होकर के अंडर आर्म तक चलती है। फैब्रिक, सैटिन स्लीव जब हम यूज करते हैं तो कोई भी हम कॉटन का, सैटिन का, सिल्क का, कोई भी कपड़ा हम ले सकते हैं, जबकि रेग्लोन स्लीव क्योंकि ज्यादातर ये स्पोर्ट्स वेयर में काम आती है, तो हम इसके लिए लाइक्रा, इस तरह के सिंथेटिक फैब्रिक ज्यादा यूज में, जो स्ट्रेचेबल होते हैं और पसीने को भी सोखते हैं, इस तरह के यदि उनमें एबिलिटी है उनमें हम ज्यादा यूज करते हैं। सीम टाइप, कौन सी सीम किस स्लीव के अंदर लगाई जाती है? इसमें हम रनिंग सीम लगाते हैं, लेकिन इसमें हम डबल टॉप सीम भी लगाई जा सकती है और सिंगल सीम भी लगाई जा सकती है। ग्रेन, सैटिन स्लीव ज्यादातर स्ट्रेट ग्रेन में कटती है, इसके अलावा जैसे पफ स्लीव और बायस ग्रेन में भी निकलती है, लेकिन रेग्लोन स्लीव हमेशा स्ट्रेट ग्रेन में ही निकलती है। कौन कौन सी स्लीव? अब देखिए, जो सैटिन स्लीव है उसकी कैटेगरी में पफ स्लीव्स हैं, बेल स्लीव्स हैं, बिशप स्लीव्स हैं, लेगो मटन स्लीव्स हैं, पैटर्न स्लीव्स हैं, मीन बहुत सारी स्लीव्स हैं जो इस कैटेगरी में आती हैं, लेकिन रेग्लोन स्लीव में सिर्फ एक ही स्लीव है जो रेग्लोन स्लीव है, जिस नाम से है, वो एक ही स्लीव इस कैटेगरी में आती है। तो आज आपने अच्छे से देखा होगा कि सैटिन स्लीव और रेग्लोन स्लीव में क्या डिफरेंस है। अब हम जब भी इन्हें यूज करेंगे तो हमें पता रहेगा कि कौन सी स्लीव को कहाँ यूज करना है और किस पर्पज के लिए हम यूज करते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, नमस्ते।